प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम एक ऐसे शिवलिंग की, एक ऐसे ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे जो सीधा संबंध रखता है चंद्र देव के साथ। और ऐसा माना जाता है कि उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से, पूजन करने से आपके जीवन के शाप की, आपके पूर्व जन्म के कर्मों की जो बाधा है वो समाप्त हो जाती है। आज बात करेंगे चंद्रमा और शिव जी के संबंधित ज्योतिर्लिंग की, यानी श्री सोमनाथ की। क्या है सोमनाथ की महिमा और चंद्रमा के साथ इस ज्योतिर्लिंग का क्या संबंध है, ये जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि शाम के 7:17 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र रात के 10:27 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है मिथुन राशि में, बुध विद्यमान है कर्क राशि में, शुक्र और मंगल विद्यमान है सिंह राशि में, केतु विद्यमान है तुला राशि में, शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में, और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम आपको आपका दैनिक राशिफल बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा ज्योतिर्लिंग चंद्रमा से संबंध रखता है और आखिर क्यों। देखिए, भगवान शिव जागृत रूप में द्वादश ज्योतिर्लिंगों के रूप में विद्यमान हैं। ये सामान्य शिवलिंग नहीं हैं, ये ज्योति के लिंग हैं और इसके अंदर ईश्वर प्रकाश के रूप में विद्यमान है। इन ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ का। ये गुजरात के काठियावाड़ के प्रभास क्षेत्र में स्थित है और चंद्रमा के द्वारा, चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, चंद्रमा के द्वारा यानी सोम के द्वारा इसकी स्थापना होने की वजह से इसको सोमनाथ कहा जाता है। चंद्रमा को उनके श्वशुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था क्षय रोग होने का, जिसको आज की डेट में ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। और चंद्रमा ने अपने शाप को दूर करने के लिए इस शिवलिंग की स्थापना करके विधिवत आराधना की थी, क्योंकि जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया तो दुनिया में उनको किसी ने शरण नहीं दी। अंत में भगवान शिव की शरण में गए
और भगवान शिव ने उनके शाप को हटा दिया, नष्ट कर दिया और उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। ऐसा माना जाता है कि जो सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है, इस लिंग के आसपास और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर चंद्रमा को प्रभावित करने वाली ऊर्जा विद्यमान रहती है। क्योंकि आप ये भी सोच सकते हैं ना कि चंद्रमा ने आखिर प्रभास क्षेत्र में ही क्यों इस शिवलिंग की स्थापना की, क्यों नहीं काशी में कर दी, क्यों नहीं रामेश्वरम में कर दी, तमिलनाडु में कर दी। उसका कारण ये है कि जिस इलाके में सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है उस इलाके का जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है और जो वहाँ की तरंगे हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी तरंगे चंद्रमा पर पाई जाती हैं। इसीलिए चंद्रमा से उसका डायरेक्ट कनेक्शन है और चंद्रमा उससे सीधे संबंध रखता है। इसीलिए चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने के लाभ क्या हैं? जब आप श्री सोमनाथ के दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो किस तरह के लाभ आपको होते हैं ये आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, इस समय आपकी कोई लाभकारी यात्रा भी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की तमाम समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, पारिवारिक मामलों में समस्या के योग बनते हैं, महत्वपूर्ण काम इस समय आपको टाल देना चाहिए। भगवान शिव को अगर आप सफेद फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता चला जाएगा, करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान शिव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उपासना करता है या भगवान शिव के सोमनाथ स्वरूप की उपासना करता है तो उसे किस तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। जिन लोगों को भी अत्यधिक तनाव या चिंता करने की आदत है उन्हें भगवान शिव के श्री सोमनाथ स्वरूप की उपासना जरूर करनी चाहिए। जो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, मानसिक रोगी हैं या जिनको अवसाद की, डिप्रेशन की समस्या है, वैसे लोगों को भी भगवान शिव के श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उपासना करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग हो तो भी भगवान सोमनाथ की उपासना करना बहुत अच्छा होता है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है।
और लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर आपका चंद्रमा नीच राशि में हो या आपका चंद्रमा अस्त हो तो सोमनाथ जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव के सोमनाथ स्वरूप की उपासना से चंद्रमा संबंधी कैसी भी बाधा हो वो बाधा दूर की जा सकती है। अपनी माता के आयु या जीवन की समस्या हो तो भी सोमनाथ जी की उपासना फलदायी होती है। चंद्रमा का मतलब माता भी होता है, इसीलिए अगर आप भगवान के सोमनाथ स्वरूप की उपासना करते हैं तो वो उपासना करना लाभकारी होता है। जीवन में एक बार भी अगर आप सोमनाथ जी के मंदिर जा करके सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर रुद्राभिषेक करवाते हैं तो चंद्रमा की समस्या नहीं होगी, या चंद्रमा से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। चंद्रमा को सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके पूजा करने से शाप से मुक्ति मिली थी, तो अगर आपकी कुंडली में इस तरह का कोई शाप है या शाप से संबंधित कोई दोष है और अगर आप श्री सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं तो वो शाप, वो दोष निश्चित रूप से आपका दूर हो जाएगा। कैसे करें घर बैठे भगवान के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उपासना, ये आपको बताएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय आपको करियर में लाभ हो सकता है, लाभकारी यात्रा के योग भी दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, मानसिक तनाव आपका कम होता जाएगा, करियर में आपको लाभ होगा, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन की हानि हो सकती है, परिवार में विवादों से बचाव करें और अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। भगवान शिव को अगर सफेद फूल अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे, आपके बहुत बड़े बड़े काम इस समय बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। अब ऐसा हो सकता है कि आप भगवान शिव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने न जा पाएं, उसके पूजन करने न जा पाएं, उस स्थान पर न जा पाएं, तो उनकी उपासना घर बैठे कैसे करेंगे? अपने पूजा के स्थान पर या पूर्व या पश्चिमी दीवार पर भगवान के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का चित्र स्थापित करें। सफेद वस्त्र धारण करके
प्रातः काल या प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास इनकी उपासना करें। चित्र के नीचे एक बड़ा सा पात्र रख लें, बाल्टी रख लें, टब रख लें, और इसके बाद भगवान के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान करके इन्हें सफ़ेद वस्तु में अर्पित करें और सफ़ेद वस्तु का भोग लगाएं। इसके बाद शिव सहस्त्र नाम या शिव पंचाक्षर स्तोत्र या नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें। इसके बाद भगवान के सोमनाथ स्वरूप का मंत्र है, ओम नमो भगवते सोमनाथाय, ओम नमो भगवते सोमनाथाय, इस मंत्र का जप करें। और एक लोटा जल आप ये सोच करके उस पात्र में गिराएं, उस चित्र के सामने गिराएं कि जैसे आप सोमनाथ जी के ज्योतिर्लिंग पर ये जल अर्पित कर रहे हैं, ऐसा आप हर सोमवार के सोमवार करिए। निश्चित रूप से आपको श्री सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग की पूजा का फल प्राप्त होगा। और सावन के महीने में तो जब मौका मिले तब करिए। आप चित्र लगा के बिना पात्र सामने रखे आंख बंद करके मानस पूजा भी कर सकते हैं कि आप आंख बंद करके अपने मन में ये कल्पना करें कि आप ज्योतिर्लिंग के सामने बैठे हैं, आप उन्हें फूल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, पंचामृत चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग को गले लगा रहे हैं, उसके बाद शिवलिंग को स्पर्श करके अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। आप सावन के महीने में किसी भी दिन या जितने दिन संभव हो सोमनाथ स्वरूप की उपासना करें। और वैसे आप हर सोमवार को अगर ऐसा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, काम बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, बेवजह की मानसिक चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखें, परिवार में थोड़ा समय दें तो बेहतर होगा। भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा, इस समय आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, आप शहद का जब भी प्रयोग करते हैं शहद को गर्म करके कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए।
नहीं तो वो विष की तरह, पॉइजन की तरह काम करेगा, आपको डाइजेशन की दिक्कतें पैदा होंगी। गर्म चीज़ों के साथ भी शहद का प्रयोग मत करिए और शहद को गर्म करके बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए, ऐसा करना बहुत खराब हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 14 जुलाई शुक्रवार सुबह के समय भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करिएगा, केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, और घर से निकलते समय उन सफेद फूलों में से एक फूल आप अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप दिन में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।